फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अक्री गैस। अक्री गैस को इंग्लिश में नोवेल गैसेस कहते हैं। अक्री गैस को निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो अक्री गैस का ही अर्थ होता है फ्रेंड्स, जो क्रिया नहीं करता, जो वर्क नहीं करता है, जो किसी भी तत्व से रिएक्शन नहीं करता है, उसे अक्री गैस कहते हैं। अक्री गैस को आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के शून्य वर्ग में रखा गया है, इसलिए अक्री गैस को शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं। अक्री गैस की संयोजकताएँ शून्य होती हैं। अक्री गैस इसलिए नहीं कार्य करता क्योंकि इसमें न ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की और न ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। अक्री गैस की संयोजकताएँ शून्य होती हैं, इसलिए इसे शून्य वर्ग में रखा गया है। अक्री गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP6 होती है। तो ये हो गया अक्री गैस। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसको आपको अक्री गैस कौन कौन से होते हैं इसके बारे में एक ट्रिक बताएंगे। तो एक ट्रिक के माध्यम से आप अक्री गैस को जान जाएंगे। तो ट्रिक है फ्रेंड्स, हे नानी आराम कर ले जिंदा रहेगी। तो हे यानी हीलियम, नानी नियॉन, आराम कर ले आर्गन, और कर ले यानी क्रिप्टॉन, और जिंदा यानी जिनॉन, और रहेगी यानी रेडान। तो जो ये है फ्रेंड्स, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन, ये जो फाइव है फ्रेंड्स, ये वायुमंडल में पाए जाते हैं, अपने एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। बट फ्रेंड्स, जो रेडान है वो वायुमंडल में नहीं पाए जाते, ये मानव निर्मित है, अर्थात कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, इसलिए इसे इसका यूज ज़्यादा नहीं होता और ये सभी का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका परमाणु क्रमांक अब हम बताएंगे। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, और आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जिनॉन का 54 होता है, और रेडॉन का 86 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके जो बाय कोष में होते हैं वो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में हीलियम का जो बाय कोष में होना चाहिए वो 2 है, ये इसका अष्टक पूरा है, इसलिए ये इसका अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए इसे अक्री गैस को स्थायी कक्षा में रखा गया है। नियॉन का जो होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो 2 और 8 होता है, तो 2 ये हो गया और 8 इसका अष्टक पूरा है, इसलिए इसे स्थायी कक्षा में रखा गया है। इसलिए इसी प्रकार आर्गन का है, क्रिप्टॉन का, जिनॉन का भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हो गए इनके ट्रिक। फिर इसके बाद हो गए अक्री गैसों के लक्षण। तो जो अक्री गैस है फ्रेंड्स, ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, न इसमें रंग होता है, न गंध होता है, और न ही स्वाद होता है। और इनकी संयोजकताएँ क्या होती है, हमने बताया शून्य होती है, और ये शून्य वर्ग में रखे गए हैं, पी ब्लॉक के शून्य वर्ग में रखे गए हैं, तथा इसके आयन विभव जो होते हैं वो उच्च होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हो गए इनके लक्षण। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे इसके यूजेज, उपयोग। तो देखिए हीलियम हो गया, तो हीलियम का उपयोग गोताखोरों को सांस लेने में किया जाता है। जो गोताखोर होते हैं फ्रेंड्स, वो नदी और तालाबों में हीलियम गैस का ही उपयोग करके जाते हैं। हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों तथा वायुवाहनों के टायरों में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस क्या होती है, हल्की होती है, इसे वायुवाहनों को उड़ने में आसानी होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर हो गया फ्रेंड्स नियॉन। तो देखिए अब हम आपको नियॉन के बारे में बताएंगे। तो नियॉन का उपयोग होता है फ्रेंड्स, नियॉन का उपयोग कोहरे को भेदने में किया जाता है, कोहरे को भेदने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आर्गन, आर्गन का विद्युत बल्बों को भरने में किया जाता है। विद्युत बल्ब जो येलो वाली होती है फ्रेंड्स, उसमें इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। तो जो विद्युत बल्ब में होता है उसमें से ऑक्सीजन निकालकर उसे निष्क्रिय किया जाता है, तो इसलिए आर्गन रहता है, जिससे उसका जो तंतु होता है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। फिर उसके बाद हो गया फ्रेंड्स क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन और जिनॉन गैस से आर्गन के स्थान पर विद्युत बल्ब में भरे जाते हैं। अगर आपके पास आर्गन नहीं है तो क्रिप्टॉन और जिनॉन भी विद्युत बल्बों में भरे जाते हैं। जो उच्च क्वालिटी के विद्युत बल्ब होते हैं फ्रेंड्स, जैसे
एलईडी और सीएफएल। तो इसमें क्रिप्टॉन और जीनान का उपयोग किया जाता है। क्रिप्टॉन का उपयोग फोटोग्राफी तथा चमकने वाली ट्यूबों में भी किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी और चमकने वाले ट्यूबों में किया जाता है। इस प्रकार हम ये चार इनके उपयोग बताएं फ्रेंड्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।